इंदिरा गांधी नहर पे वन और अभ्यारण्य पे मांगों पे चर्चा हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीमांत के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर इंदिरा गांधी नहर की कल्पना जहां के लिए 1957 में की गई। 1957 में जब इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना की कल्पना की गई थी तब ये सोचा गया था कि देश के आखिरी हिस्से तक हम पानी पहुंचाएंगे। 1980 में जैसलमेर के मोहनगढ़ में पानी आया और 1980 से लेकर आज तक 44 साल तक मेरा क्षेत्र नहर के इंतजार में आस लगाए बैठा है। प्रदेश की सरकार से मैं आप सभी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो एक्सटेंशन रुका हुआ है आप जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि सीमांत के उन लोगों को पानी मिल सके। आपको बताना चाहूंगा कि जैसलमेर के गुंजनगढ़ गांव के बाद में इसका एक्सटेंशन नहीं हुआ और सीमांत के उन लोगों की जो आजीविका है वो पशुपालन पे है। अगर वहां तक पानी पहुंचेगा तो वहां पे खेत खलियान भी होंगे, किसानों की आय भी बढ़ेगी और वो जो नहर है उसका एक्सटेंशन रुकने का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण डीएनपी है, डेजर्ट नेशनल पार्क। आपको बताना चाहूंगा कि 1980 में एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन के बाद में डीएनपी क्षेत्र को नोटिफाई किया गया। डीएनपी क्षेत्र के अंदर लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और जिसका 1962 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जैसलमेर का और 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाड़मेर का है। 185 राजस्व गांव इसके अंदर है। आप विश्वास मानेंगे कि 1980 के बाद में ना आबादी भूमि बढ़ी ना किसी तरीके का नया डेवलपमेंट हुआ। आज क्योंकि वन एवं अभयारण्य की भी बात हो रही है, मैंने आज सरकार से निवेदन भी किया है, मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि उस क्षेत्र में उन 185 राजस्व गांवों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। आप विश्वास मानेंगे कि अभी तक वहां के किसानों को किसी भी तरीके का केसीसी या ऋण उठाने की कोई सुविधा नहीं दी गई। वो ऋण नहीं उठा सकते, वो कोई लोन नहीं ले सकते, वो बेच नहीं सकते, वो किसी भी जमीन को हस्तांतरित नहीं कर सकते। कई सारी ऐसी समस्याएं आगे आ रही है तो इन सब तमाम चीजों को मैंने आज माननीय मंत्री जी के सामने और प्रदेश की सरकार के सामने रखा है। साथ ही साथ मोबाइल टावर, आप देखेंगे कि साहब एक दिन के लिए अगर मोबाइल टावर या कोई रेंज या कोई जब परीक्षा होती है तो एक दिन के लिए जब मोबाइल टावर को ब्लॉक किया जाता है, इंटरनेट को बंद किया जाता है तो हमारे युवा भाई खाना पीना छोड़ देते हैं। उस स्थिति में आप सोचिए, आप विचार कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि साहब उन लोगों के क्या हाल होंगे जिनके पास अभी तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा। लाइट की हम बात करें तो अभी सब हाहाकार मचा रहे हैं कि साहब हर जगह कटौती हो रही है। मैं मानता हूं साहब कि कटौती हो रही है, पर आप देखें कि साहब उनके क्या हाल होंगे जो 75 साल से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। हम पानी की बात करते हैं कि साहब एक दिन अगर शहर में पानी की सप्लाई ना हो तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप विचार करो, जहां तक आज़ादी के बाद तक जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उनके क्या हाल होंगे। वाकई स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी से भी, मैंने मंत्री जी से भी निवेदन भी किया कि एक बार आप आएं और उस क्षेत्र को देखें। आप देखेंगे कि भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट वहां पे जाके रुक गया। नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो मिलाने का एक जो सपना था वो मुझे लगता है कि सपना ही रह जाएगा। अगर हमने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं किया तो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। सब बड़ी भयानक स्थिति है उस क्षेत्र की। अगर कोई प्रसव समय में कोई हॉस्पिटल तक जाना भी चाहे तो दूर दराज तक कोई हॉस्पिटल नहीं है और रोडें भी नहीं हैं। कई बार जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। वाकई स्थितियां बहुत खराब है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन गांवों का नाम लेना चाहूँगा जिन गांवों का नाम इस राजधानी में आज तक किसी ने नहीं लिया। गडरा रोड आपको बता दूँ कि सीमांत की आखिरी पंचायत समिति है और गडरा रोड से 1 किलोमीटर बाद इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है। उस गडरा रोड के बोई, नोडरडी, संबंध का पार, हाँफिया, फांगड़ी, चंदनिया, बनियाली, चौथियाली, खड़ीन, सैला, दिंगाणी की बस्ती, बच्चिया, पूंजराज का पार, सरगुवाड़ा, द्राबा, ढगारी, मठराणी, पीपरली, पते का पार, गप्पाणा, दाबड़, सांखली, हाफिया, कुबड़िया, रावतसर, सालम सिंह बस्ती, दुठोड़, ये तमाम कई सारे ऐसे गांव, 185 गांव है
जहां पे अभी तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची है। हम बंद एसी के कमरे में सब तरीके की बातें कर लेते हैं, पर जरूरत है उन क्षेत्र को आगे तक ले जाने की। बिजली नहीं पहुंची, पेयजल नहीं है, आबादी भूमि नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं पहुंची। तो वन एवं पर्यावरण की मांगों पे सबसे बड़ी मांग मुझे लगता है हमारी है। और इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना की बात हो रही थी, तो इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना एक्सटेंशन होना चाहिए और सीमांत के आखिरी गांव तक पानी पहुंचना चाहिए। आपके माध्यम से पुनः मैं मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि एक बार, आप बहुत संवेदनशील है, एक बार आप उस क्षेत्र का जायजा लें और निश्चित रूप से हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास के साथ में एक बदलाव लाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।